भाजपा था और थोड़ा कुछ जो बचता था कांग्रेस वहां हाथ साफ कर लेती थी, लेकिन उस दौर में गुस्से से भरी एक महिला आती है और लेफ्ट के किले को उखाड़ फेंकती है। एंग्री विमन ममता बनर्जी ने ऐसा कारनामा किया था, लेकिन आज ममता की वो जमीनी सियासत दम तोड़ रही है। टीएमसी छोड़कर उनके भरोसेमंद नेता बीजेपी में जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता की सियासत खत्म होने वाली है? क्या 23 साल की टीएमसी दम तोड़ने वाली है? तेईस साल बाद दीदी का निकला दम। ममता अकेली मानुष छोड़ गए। संग्राम से पहले टीएमसी का सत्यानाश। दीदी के देखते देखते बिखर गई टीएमसी। अभी तो बगावत शुरू हुई है, आगे देखिए होता है क्या। टीएमसी के खेमे में भागम भाग मची है। हालत ये है कि इसी तरह से टीएमसी टूटती रही तो दीदी बंगाल में क्या अकेले चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि बीजेपी ने टीएमसी के किले में ऐसी सेंध लगाई है जिसमें से बड़े बड़े नेता टपक कर बीजेपी की गोद में गिर रहे हैं। अब सुवेंदु अधिकारी के कजन सोमेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी टीएमसी को एक और झटका लग गया। टीएमसी को यह झटका 23वें स्थापना दिवस पर लगा, जब टीएमसी के नेता बंगाल में आगे की रणनीति पर बात कर रहे थे, तब बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा था। इन दो तस्वीरों को देखिए, ये टीएमसी के 23वें स्थापना दिवस की हैं। एक तरफ टीएमसी दफ्तर है जहां टीएमसी के कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं था। टीएमसी का झंडा फहराया और कुछ कार्यक्रम किए, लेकिन इस दौरान ना तो जोश दिखा और ना ही पहले वाला दम। हैरानी की बात ये कि ममता बनर्जी टीएमसी दफ्तर तक नहीं पहुंची थी। उधर उसी वक्त बीजेपी के बंगाल दफ्तर में जोशीले नारे लग रहे थे, क्योंकि सुवेंदु के भाई सोमेंदु अधिकारी दीदी को ठेंगा दिखाकर बीजेपी के होकर करीब 10 दिन में तृणमूल कांग्रेस को यह दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि 10 दिन पहले अमित शाह के दौरे पर सुवेंदु अधिकारी और उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं की फौज ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस दिन अमित शाह ने हुंकार भी भरी थी कि एक दिन टीएमसी खंड खंड हो जाएगी और दीदी का घमंड चूर चूर। पिछले कुछ सालों में बीजेपी का कैडर बंगाल में बेहद तेजी से बढ़ा है। जाहिर है इसके पीछे बंगाल के लोगों में दीदी के लिए आक्रोश भी है, और एक खास तबके के लिए दीदी के प्यार ने इस आक्रोश को और बढ़ा दिया है, साथ ही हिंदुत्व की अनदेखी। इसके अलावा CAA NRC लागू नहीं करने का फरमान। जिस माँ माटी मानुष के दम पर दीदी बंगाल में 10 साल से काबिज हैं, वहीं अब उनके मानुष रूठ रहे हैं। जमीनी सियासत का दम निकल रहा है और बंगाल की मिट्टी खून से लाल हो रही है। उधर बीजेपी में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। ऐसे में इतना तय हो चुका है कि बंग की जंग में घमासान बड़ा भयंकर होने वाला है। बिल्कुल 23 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी नहीं चाहेगी कि वहां कोई और सेंध मारे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सुन लीजिए पश्चिम बंगाल से ही, जहां आसनसोल से खबर है कि बाबुल सुप्रियो के काफिले की गाड़ी हादसे की शिकार हुई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ही उनकी कार को टक्कर मारी गई। हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। रॉन्ग साइड से एक कार आ रही थी, कॉन्वॉय में उनकी गाड़ी चल रही थी, उस कॉन्वॉय की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। पहले खबर थी कि बाबुल सुप्रियो इसमें नहीं थे, लेकिन बताया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो की जान इस हादसे में बाल बाल बची है। सोच लीजिए कि रक्त रंजित इतिहास की बात लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर की जाती रही, लेकिन इस बार का ये चुनाव सचमुच बहुत मुश्किल होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो संभावनाएं तलाश रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट पर बढ़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट तक उनकी आइडियोलॉजी को सीमित कर दिया जाए, लेकिन ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जो खबर है वो ये दिखाती है कि आसनसोल में जहां बाबुल सुप्रियो के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार होती है, तो लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से उस
ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये हादसा है या ये साजिश है। एक कॉन्वॉय में गाड़ी जा रही है, आखिर जब केंद्रीय मंत्री की गाड़ी चलती है तो फिर उसमें पूरी तैयारी होती है, उसमें किसी तरह की रॉन्ग साइड से गाड़ी कैसे आ गई, ये भी समझने के लिए काफी है कि इस वक्त चुनाव किस चरम पर है। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि टीएमसी में इन दिनों भगदड़ बची है। हाल ही में ममता के कई करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया। इनमें जो बड़े नाम शामिल है वो शुभेंदु अधिकारी का है। ममता सरकार में नंबर दो के नेता थे जिनका नाम मैं आपको इस वक्त बताने जा रही हूं। बहुत सारे ऐसे लोग जो ममता के इस गढ़ को छोड़ना और बीजेपी को शामिल करना चाह रहे थे, उसमें ममता सरकार में नंबर दो के नेता सुनील मंडल बर्धमानपुर से दो बार लोकसभा के सांसद रहे। एक और नाम बताती हूँ, शीलभद्र दत्ता, सुना होगा क्योंकि बैरकपुर से दो बार विधायक रहे। बंश्री दत्ता पूर्वी मिदनापुर से कांठी सीट से दो बार विधायक, मिदनापुर वही जो टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा। दीपाली बिस्वास सीपीएम से टीएमसी और अब बीजेपी में शामिल, यानी बहुत सारे ऐसे नाम जो सीधे सीधे बीजेपी के कैंप में जा रहे हैं और ममता की सांसों को बढ़ा रहे हैं। शुक्र मुंडा अलीपुरद्वार जिले की नगराकाट सीट से विधायक, विश्वजीत कुंडू कालना से दो बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे कई नाम हैं, दशरथ तिर्की का नाम मत भूलिए, 2014 में अलीपुरद्वार से सांसद चुने गए थे, और ऐसे बहुत से और नाम हैं जो लगातार ये समझा रहे हैं कि इस बार का चुनाव ममता दीदी के लिए आसान नहीं है। ये